राम राम जी, सभी का स्वागत है हरियाणा एग्जाम लर्निंग पीडीएफ चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे साइंस जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। आपको पहले की तीन वीडियो में मैं दे चुका हूँ, आपके 7 क्वेश्चन मेरे पास पीडीएफ में थे, जिसमें से 550 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो 550 से लेकर 700 क्वेश्चन तक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो साइंस जीके आपके कोई भी फॉरम में आपको साइंस है तो आप इसकी वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें और अपनी स्टडी को ग्रो करते जाएं। और आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहाँ से आप अपने पीडीएफ डाउनलोड करके और अपनी स्टडी में ग्रो ला सकते हैं। तो अपनी स्टडी अच्छे से करते चले जाएं, आपको हर वीडियो में इसी तरह पीडीएफ मिलते रहेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए नज़र डालते हैं अपने पीडीएफ पर। इस प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के पानी से सामान्यतः नमक प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण। माचिस की तिल्ली का काला भाग बना होता है फास्फोरस से। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक का क्या नाम है? फास्फोरस। टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त हो जाती है? गलनांक बिंदु। निंदाथोत्ता का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? निकोटीन। द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक है मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यूरेनियम। किस अम्ल का उपयोग शेषा संचालक बैटरी में उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश यानी नेगेटिव। प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? धनावेश पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? जे थॉमसन ने। वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्वों के सभी गुण विद्यमान हो कहलाता है अणु। सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का कौन सा का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है? इस गंध का क्या कारण है? क्लोरीन। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। साबुन के साथ अच्छे से झाग न बनने वाला जल होता है कठोर जल। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेंस ने। वेचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी किससे फैलती है? वायरस के द्वारा। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 4 फारेनहाइट। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। बेरी रक्त किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी फर्स्ट की। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA। गांवों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8।
आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप क्या होता है? ओ ग्रुप। ओ वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले सभी को रक्त दे सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक एसिड। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, जो मानव के जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। और एक चीज़ मैं ओवर ऐड करना चाहता हूँ, अपने शरीर में एक ऐसी हड्डी है, बाकी तो सभी हड्डियाँ जुड़ी हुई है, आपस में कनेक्ट है, लेकिन एक हड्डी अकेली है जो किसी हड्डी से मैच नहीं खाते, जुड़ते नहीं है मतलब। तो वो अपने यहाँ पे होती है ठोड़ी के नीचे, यहाँ पे आप सर्च करना गूगल पर। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। ब्रोंकाइटिस किसका रोग है? यकृत का। अनुवांशिक रोग वर्णद्वंदता में रोगी किस रंग को पहचान नहीं पाता? लाल और हरा रंग नहीं देख पाता। BCG का टीका किसके लिए दिया जाता है? क्षय रोग के बचाव के लिए। लाइकेन किसके संचालक होते हैं? वायु प्रदूषण के। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। जीन किस में अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? चार्ल्स डार्विन ने। DNA की क्रियात्मक इकाई है जीन। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। जीन किससे बनी होती है? DNA से। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर से। पानी का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस धातु को नोबेल धातु कहते हैं? सोना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? अवतल दर्पण। कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली कौन सी गैस है? एसिटिलीन। उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? काला। द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन सी है? ब्यूटेन। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? दृष्टिपटल पर। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन। शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहनसन ने। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वायु क्या है? एक मिश्रण। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। नींबू खट्टे किस कारण होते हैं? साइट्रिक एसिड के कारण।
पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन। एक वस्तु जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने का आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेंटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेंटिंग पद्धति। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर में उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम किसका है? ओम का नियम। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? धान का। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? रेंडियर। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? सानेन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु ताप बढ़ेगा। किस चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तो नष्ट हो जाएगा? पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। मध्यम रेखा के ध्रुवों पर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो एक दिन की अवधि कम होती। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया? केपलर ने। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मुर्गियों से। ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग हो सकता है क्योंकि नीली क्रांति मछलियों से थी। बाकी इसको कमेंट में डाल दूंगा मैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। एपिकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? केसिन। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सीड से। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? M.S. स्वामीनाथन। पौधे का कौन सा भाग
शोषण करता है पत्ती। सिनकोना, पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। प्रकाश संश्लेषण, किस प्रकाश में सबसे तेज होता है? लाल प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। कारे, पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफ्लोसिया के। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है दूसरा? भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। परख नली, सोडा, कांच बोतल और ट्यूबलाइट। नींबू के रस का पीएच मान होता है 4। सबसे बड़ा फूल है रेफ्लोसिया, सबसे छोटा वोल्फिया। होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है दूध। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? जॉनसन ने। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? गुर्दा से। तो आपके पीडीएफ साइंस जीके मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ, आपको 4 वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी। साइंस जीके के आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए और आपको पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम जी।